नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा कि एक और नया कंपोनेंट हम लोगों को ब्लेजर के अंदर बनाना है। और ब्लेजर का जो है ये कंपोनेंट भी आप लोगों को मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मेंबरशिप प्रोग्राम में जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें ये कंपोनेंट बहुत ही अहम रोल प्ले करने वाला है, जिसे हम लोग टाइपो हेड कंपोनेंट बोलते हैं। तो मेंबरशिप के बारे में बता दूं जो लोग नए हैं उनके लिए, मेंबरशिप एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि आप लोगों को मैं देता हूं। सिर्फ 500 रुपीस उसकी फीस है, लेकिन ये अनलिमिटेड मेंबरशिप है। 500 रुपए में आप लोगों को प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्सेस मिलेंगे, यानी कि आप लोगों को जीरो टू हीरो एडवांस बेस्ड जो कोर्स है वो .NET कोर के ऊपर मिलेगा। उसमें दो प्रोजेक्ट शामिल होंगे, उसमें एक आर्किटेक्चर भी शामिल होगा। तो आप लोगों को रिपोजिटरी पैटर्न है, क्लीन आर्किटेक्चर है, उसके ऊपर जो है ASP.NET कोर के ऊपर प्रोजेक्ट मिलेंगे दो। उसके बाद में हम लोग वेब API पे है, REST API जो है उस पर है, ब्लेजर है, एंगुलर है, जो आप हमारी JavaScript है, हमारा Bootstrap है, HTML है, CSS है, हमारा जो एंगुलर है, रिएक्ट है, ब्लेजर है, यूनिट टेस्टिंग है। ये सारे के सारे 500 रुपीज में सेम प्राइस आप लोगों को एक ही बार पे करना है, बार बार भी पे नहीं करना है। और ये 500 रुपए में इतने सारे कोर्सेस आप लोगों को मिलेंगे। आप लोगों को जीरो टू हीरो उनके वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, उनको कंप्लीट कोड आप लोगों को मिलेगा। लेकिन आप लोगों को मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी, टेक्नोलॉजी क्रीड़ा ज्वाइन करना होगा, तभी आप लोगों को ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उसे फिल कीजिए, फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं इस टाइपो हेड कंपोनेंट के बारे में आप लोगों को बता देता हूं। ब्लेजर के अंदर बहुत ही शानदार कंपोनेंट है अगर आप लोग बनाएंगे तो, क्योंकि इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स की चीजें जो है वो ऐड कर सकते हैं। और कैसे चीजें ऐड करते हैं, कैसे हम लोग सर्च करेंगे, कैसे हम लोग इन चीजों को हैंडल करेंगे, उन चीजों पर आप लोगों को फोकस करना है। जैसे इसमें टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है, जैसे कि बहुत बार हम लोग ऐसे करते हैं ना कि टाइपो हेड कंपोनेंट होता क्या है मैं बता देता हूं। एक टेक्स्ट बुक्स होता है जिसमें ऑटो कंप्लीट लिस्ट आती है, और उसमें हम लोग उस लिस्ट में हम लोग कैसे भी आइटम्स जो है वो ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। लेकिन जब हम लोग उस पर सर्च करते हैं तो वो की स्ट्रोक पे नहीं होना चाहिए, कुछ टाइमिंग के बेस पे होना चाहिए। तो उसके लिए जो कंपोनेंट है वो यहां पर बनाया गया है। कैसे बनता है ये पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा ताकि आप लोग समझ सकें। लेकिन जिन्होंने अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है वो कर लीजिए, क्योंकि ये बेनिफिट है आपके लिए, मेरे लिए नहीं है। और मैं यही कहूंगा कि ज्वाइन करोगे तो बेनिफिट जरूर देखोगे उसके, और 100% बेनिफिट देखोगे। मैं कोई 99.9 नहीं देख रहा हूं, क्योंकि 500 रुपए में इतना सारा कोड आप लोगों का अगर कोई अवेलेबल कराता हो, वो भी प्रोजेक्ट बेस्ड, ASP.NET कोर के ऊपर, ब्लेजर के ऊपर प्रोजेक्ट, आप लोगों का एंगुलर के ऊपर प्रोजेक्ट, आप लोगों का रिएक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट, तो आप लोगों के लिए बेनिफिट ही है। चलिए हम लोग चलते हैं कोड पैनल के ऊपर और आप लोगों को बताते हैं कि कैसे क्या कुछ करना है। चलिए चलते हैं। हमारा मेंबरशिप जो प्रोग्राम है वो ये है, जिसमें आप लोगों को 500 रुपए में .NET कोर के कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल और उसका कंप्लीट सोर्स कोड, और वो भी प्रोजेक्ट बेस्ड आप लोगों को मिलता है। साथ ही इसमें .NET कोर ही नहीं, 500 रुपए में आप लोगों को डैपर, REST API, एंगुलर, रिएक्ट, SQL सर्वर, CSS, jQuery, HTML, .NET ब्लेजर, NUnit, MS यूनिट, यानी कि मेरी कंप्लीट जो जर्नी है वो मैं आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ। 10 से 14 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों को सेंड करो। साथ ही इसमें वीडियो चलते रहेंगे ASP.NET कोर के साथ, हम लोग jQuery कैसे काम में लें, JavaScript कैसे काम में लें, Bootstrap कैसे काम में लें। तो सिर्फ 500 रुपए में आप लोगों को एक कंप्लीट पैकेज जो है मिल रहा है, और वो भी अनलिमिटेड। तो अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है मेंबरशिप तो जस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, जस्ट उसे आप लोगों को फिल करना और आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं यही कहूंगा कि अगर जो फीस बढ़ेगी तो आप लोगों की बढ़ सकती है, लेकिन अभी ये 500 रुपए में है। 500 रुपए में ये पूरा लाइफ टाइम आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। आगे भी चलता रहेगा, जैसे कि इसी 500 रुपए में आगे भी चलता रहेगा, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कैसे प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, तो इस पर भी आप लोगों का चलता रहेगा। चलिए आगे चलते। मल्टीपल सिलेक्शन बनाने के बाद हम लोग टाइपो हेड जो कंपोनेंट है उस पर काम करेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये टाइपो हेड .js फाइल है, इसमें आप लोग इसको देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं इसमें से, जैसे कि डेलावेयर हम लोगों ने सर्च किया, तो ये ऑटोमेटिकली लिस्ट जो है यहाँ पर पॉपअप हो जाती है, और जो भी हम लोग सर्च करते हैं, जैसे 3 कैरेक्टर के बाद में जो भी हम लोगों ने सर्च किया वो सोर्स के अंदर निकल कर आ जाता है, राइट। तो यहाँ पर ये टाइपो हेड कंपोनेंट बोलते हैं हम लोग इसको। तो ये हम लोगों को बनाना है। इसको बनाने के लिए अगर आप लोग ध्यान से देखें इसको, तो यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स है, राइट, और उसमें ये प्लेस होल्डर्स है जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। इस कंपोनेंट को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक नया कस्टम जो कंपोनेंट है शेयर्ड के अंदर वो ऐड करेंगे, और इसे हम लोग बोलेंगे कस्टम टाइप हेड कंपोनेंट, राइट। एक नया रेजर कंपोनेंट हम लोग डाउनलोड करेंगे यहां से,
इसका नाम जो है वो हम लोग कस्टम टाइप अहेड जो नाम है वो हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। टाइप अहेड जो है यहाँ पर हम लोग इसको कस्टम टाइप अहेड डॉट रेजर हम लोगों ने सेट कर दिया। अब हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पर क्या चाहिए, एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, राइट। तो यहाँ पर हम लोग डिवीजन लेते हैं और इस डिवीजन के अंदर हम लोग एक इनपुट जो है वो ले लेते हैं, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, राइट। हम लोगों ने टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट ले लिया, इसका ऑटो कंप्लीट जो है वो हम लोग फॉल्स कर देते हैं या ऑफ कर देते हैं, ठीक है, ऑटो कंप्लीट नहीं होगा अभी। अब हम लोगों को यहाँ पर प्लेस होल्डर लिखना है, जैसे कि प्लेस होल्डर हम लोग इसमें लिख देते हैं सर्च ऑथर, क्योंकि हम लोगों को ऑथर ही सर्च करना है तो हम लोग ऑथर सर्च करेंगे। अब हम लोगों को यहाँ पर देना है कि ये किससे बाइंड होगा, राइट। तो पहले हम लोग इसका लॉजिक जो है वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा ये किस तरीके से काम करेगा, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, राइट। अब देखिए मैं यहाँ पर जो है जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा DEL, राइट। तो मेरे पास यहाँ पर मैंने जैसे इसमें से ये सर्च किया, उसके बाद में मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, राइट। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया ऑन फोकस आउट हो गया, तो यहाँ पर ये फोकस आउट हो गया, और जब मैं यहाँ पर वापिस से क्लिक कर रहा हूँ ऑन क्लिक, तो यहाँ पर ये सजेशन देना वापिस से स्टार्ट कर देता है। इसको हम लोग बोलते हैं सजेशन देना, ठीक है। तो ये डेटा लिस्ट हम लोगों को दे देता है इससे रिलेटेड। अब हम लोग यहाँ पर इसका कोड जो है वो करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो इवेंट है वो यहाँ पर कौन कौन से काम करते हैं वो देखना है। सबसे पहला है ऑन क्लिक, एट द रेट ऑन क्लिक मैंने लगाया यहाँ पर, राइट। ऑन क्लिक के ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा लगेगा, जैसे कि मुझे शो डेटा लिस्ट, यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये कर देता है शो डेटा लिस्ट, ये डेटा लिस्ट जो है वो शो करना स्टार्ट कर देगा। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर मेरे पास आ गया, जब मैंने क्लिक किया तो ऑन शो डेटा लिस्ट मुझे शो हो जाएगी, मतलब मुझे सजेशन मिलने लग जाएगा। और जब मैंने यहां पर ऑन फोकस आउट कर दिया, यहां पर ऑन फोकस आउट, तो मेरा यहां से जो फोकस है वो भी चला जाएगा, दैट इज हाइड डेटा लिस्ट, राइट। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं शो डेटा लिस्ट है हाइड डेटा लिस्ट, राइट। डेटा लिस्ट जो है वो आप लोगों की हाइड हो जाएगी। तो यहां पर सबसे पहला तो ये है कि जब मैंने क्लिक किया तो शो डेटा लिस्ट जो सजेशन है वो मिलने लग जाएंगे, और जब मैंने ऑन फोकस आउट कर दिया तो वो हट जाएंगे, राइट। अब दूसरा एक और मेथड है यहां पर कि मैंने इसको बाइंड करना है एक टेक्स्ट के साथ। तो यहां पर अगर आप लोग देखें तो मैंने लिखा डेलावेयर, ओके। तो यहां से मैंने टाइपिंग करना स्टार्ट किया, तो ये जो टाइप मैंने जो टेक्स्ट टाइप किया है दैट इज सर्च टेक्स्ट, ये सर्च टेक्स्ट है जो कि टू वे बाइंडिंग हो, जब मैं यहां पर चेंज करूं तो ऑटोमेटिकली ये लिस्ट में भी चेंज होना चाहिए, राइट। तो ये सर्च टेक्स्ट है, तो ये बाइंड वैल्यू इसको हम लोग बोलेंगे, जो इसकी वैल्यू है यानी कि एट द रेट बाइंड वैल्यू, ये जो बाइंड वैल्यू होगी वो किससे बाइंड होगी, दैट इज सर्च टेक्स्ट के साथ, राइट। ये जो सर्च टेक्स्ट रहेगा वो ये रहेगा, उसके साथ ही ये जो वैल्यू है जिसकी वैल्यू है वो टू वे बाइंडिंग के साथ रहेगी। और यहां पर एक इवेंट और लगना है, दैट इज एट द रेट बाइंड वैल्यू इवेंट, राइट। इवेंट का मतलब है कि जब भी इसमें कोई भी चेंजेस होगा, और इवेंट कौन सा लगेगा, दैट इज नोन एज ऑन इनपुट, राइट। ये इवेंट जो है वो इसमें लगना है, ये मैंने यहां पर क्लोज कर दिया था पहले ही, ठीक है। अब यहां पर इस बात को समझने की जरूरत है, जब मैंने यहां पर बाइंड वैल्यू कर दिया तो एक बाइंड होगा, यानी कि सर्च टेक्स्ट के साथ ये बाइंड करेगा हमेशा, और जब भी इसमें कोई भी चेंजेस आएगा दैट इज बाइंड सर्च टेक्स्ट में हमेशा वैल्यू जो है वो बदलती रहेगी ऑन इनपुट, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर ये जो पैरामीटर हैं इनको हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहां पर हम लोगों ने लिया ऑन क्लिक और उस पर मैंने लिख दिया प्राइवेट, राइट, वॉइड, और यहां पर मैंने लिखा शो डेटा लिस्ट। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं शो डेटा लिस्ट, जब ये क्लिक करेंगे तब यहां पर ये फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा, राइट।
तो यहाँ पर मेरा ये दूर हो जाएगा शो डेटा लिस्ट। शो डेटा लिस्ट का मतलब है डेटा जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इफ इफ हम लोग ये बोल सकते हैं इफ डेटा लिस्ट डॉट एनी। अब हम लोग डेटा लिस्ट क्या है, एक टाइप ऑफ एरे हम लोगों को यहाँ पर बनाना पड़ेगा जो कि कोई भी टाइप का हो सकता है, राइट, या वो ऑथर टाइप का हो सकता है, या हम लोग कोई भी चीज का हो सकता है, या हम लोग कंट्री टाइप का बना सकते हैं। तो यहां पर हम लोग लेंगे पब्लिक, राइट, और इसे हम लोग लेंगे दैट इज टी ऑफ टाइप, यहां पर जो टी है वो हम लोग यहां पर कंसीडर करेंगे, यहां पर टाइप पैरामीटर एट द रेट टाइप परम दैट इज टी, और यहां पर टी जो है वो हमारा होगा डेटा लिस्ट, एक टाइप ऑफ एरे जो है वो हम लोगों ने यहां पर लिया है। यहां पर हो जाएगा गेट सेट, और यहां पर हो जाएगा न्यू ऑफ टी एंड इसमें आ जाएगा जीरो आइटम, ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। अब हमारे पास यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो डेटा लिस्ट है वो एक टाइप ऑफ एरे है, तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं डेटा लिस्ट डॉट एनी, अगर उसमें कोई भी डेटा है तो यहां पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहां पर तो क्योंकि शो डेटा लिस्ट का मतलब क्या है, डेटा लिस्ट शो होगी, तो इज डेटा लिस्ट डॉट एनी अगर कोई डेटा है तो यहां पर एक हम लोग एक फ्लैग वेरिएबल लेंगे, राइट, और वो फ्लैग वेरिएबल रहेगा प्राइवेट स्ट्रिंग, सॉरी प्राइवेट बूलियन टाइप, बूल इज डेटा लिस्ट, इज डेटा लिस्ट, राइट, इज डेटा लिस्ट इक्वल्स टू फॉल्स। तो यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, इज डेटा लिस्ट को, डेटा लिस्ट में डेटा है दैट इज ट्रू, तो हम लोगों ने एक बूलियन टाइप का डेटा ले लिया इज डेटा लिस्ट, राइट। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि डेटा लिस्ट के अंदर कोई भी आइटम है तो इस डेटा लिस्ट जो है इज शोइंग डेटा लिस्ट, राइट, इज शोइंग डेटा लिस्ट, तो हम लोगों को डेटा लिस्ट को शो करना है, राइट, बाय डिफॉल्ट जो डेटा लिस्ट होगी इज शोइंग डेटा लिस्ट फॉल्स होगी, इज शोइंग डेटा लिस्ट जो है वो यहां पर आकर ट्रू हो जाएगी। तो यहां पर हम लोग हमारे पास है हाइड डेटा लिस्ट, जब हमारे पास ये हम लोग एक और फंक्शन बनाएंगे प्राइवेट void हाइड डेटा लिस्ट, राइट, तो यहां पर हम लोग लिखते हैं हाइड डेटा लिस्ट, राइट, और इसमें हम लोग लिख देते हैं इज शोइंग डेटा लिस्ट इक्वल्स टू फॉल्स। तो हमारे पास यहां पर हम लोग लिख देते हैं इज शोइंग डेटा लिस्ट को हम लोग फॉल्स कर देते हैं जब ये केस हमारे पास हो, राइट। अब हमारे पास बाइंड वैल्यू है सर्च टेक्स्ट के साथ, राइट, जो भी कोई चेंजेस होगा तो उसमें भी वही चेंजेस चलेगा, बाइंड वैल्यू इवेंट, जब भी कोई अगर चेंज का मतलब है जब भी उसमें कोई की इनपुट करेगा, राइट, तो भी उसमें चेंजेस चलते रहेंगे, राइट, तो ये चीज भी हम लोगों को देखनी है, बाइंड वैल्यू ऑन इनपुट, और यहाँ पर है सर्च टेक्स्ट, तो हम लोगों को सबसे पहले ये जो सर्च टेक्स्ट हम लोगों ने लिखा है इसको देखना होगा, राइट, क्योंकि ये इसी के साथ जो है वो हमारा बाइंड चलेगा, तो हम लोगों को क्या करना होगा। अब हमारा ये है कि हम लोगों को ये सर्च टेक्स्ट लिखना है, तो हम लोग यहाँ पर एक और प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाते हैं प्राइवेट, राइट, जो कि रिटर्न करेगी स्ट्रिंग सर्चिंग टेक्स्ट को, स्ट्रिंग यहां पर है सर्च टेक्स्ट, राइट, तो यहां पर जो गेट करेगा वो क्या करेगा, यहां पर हम लोग एक प्राइवेट प्रॉपर्टी बना लेते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग सर्चिंग टेक्स्ट, स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, तो इसमें अंडरस्कोर सर्चिंग टेक्स्ट में क्या जाएगा, ये तो ये रिटर्न कर देगा दैट इज नोन एज रिटर्न, और यहां पर हम लोगों को सेट करना है, सेट के केस में क्या होगा अंडरस्कोर सर्चिंग टेक्स्ट इक्वल्स टू वैल्यू, जो वैल्यू होगी वो सर्चिंग टेक्स्ट के अंदर आ जाएगी, राइट। अब ये होता है कि जो वैल्यू है वो हमारी किससे बड़ी है, अगर इफ अंडरस्कोर सर्चिंग टेक्स्ट इज डॉट लेंथ इज डबल इक्वल्स टू जीरो है,
राइट, कि उसमें कोई टेक्स्ट ही नहीं है, सर्चिंग टेक्स्ट के अंदर कोई लेंथ ही नहीं बनी है, कोई टेक्स्ट ही हम लोगों ने नहीं दिया है। तो इज शोइंग डेटा लिस्ट जो है जो वो तो जाएगा हमारे पास फॉल्स, राइट। और यहाँ पर हमारे पास जो डेटा लिस्ट है राइट, उसमें आ जाएगा हमारे पास न्यू ऑफ टी ऑफ जीरो आइटम, राइट। तो यानी कि अगर सर्चिंग टेक्स्ट के अंदर कोई लेंथ ही नहीं है, कुछ टेक्स्ट ही नहीं है, तो वैल्यू है क्योंकि हम लोगों ने उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर डाल दी है, अगर हम लोग यहाँ पर रिट्रीव करते हैं तो, और कोई भी चेंजेस करते हैं तो इस सर्च टेक्स्ट में भी साथ में, क्योंकि इवेंट में भी ऑन इनपुट मैंने लगा रखा है कि कोई भी चेंजेस होता है तो इसमें भी साथ में वैल्यू में भी चेंज होता जाएगा साथ में, राइट। और ये रिटर्न कर देगा तो यहाँ पर भी वैल्यू आती जाएगी। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पर लेंथ अगर जीरो है, लेंथ जीरो नहीं रहेगी क्योंकि यहाँ पर दोबारा से रिफ्लेक्ट करेगा ये, दोबारा से कॉल करेगा ये चीज, राइट। अभी अगर एक चीज और होती है, अगर यहाँ पर हम लोग दें एल्स इफ, अगर जीरो नहीं है मान लीजिए, कुछ टेक्स्ट है यानी कि जो वैल्यू है राइट डॉट लेंथ, जो सर्चिंग टेक्स्ट की जो वैल्यू है, वैल्यू डॉट लेंथ जो है इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग कोई लेंथ डिसाइड कर लेते हैं, अगर वो है उसके बराबर है या उसे ज्यादा है तो क्या हो, ये हम लोग जो है वो बाद में डिसाइड करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम लोग इसको कमेंट कर देते हैं एक बार के लिए। इतनी बात समझ में आ गई, जो सर्चिंग टेक्स्ट है यहाँ पर बाइंड वैल्यू सर्चिंग टेक्स्ट इस सर्च टेक्स्ट के बराबर हो जाएगी, ये वैल्यू जो है वो टू वे बाइंडिंग चलेगी, तो इसमें भी चेंजेस जो है वो होता रहेगा, तो उसकी जो लेंथ है वो जीरो नहीं रहेगी, तो ये डेटा जो है उसमें जीरो नहीं आएगा अभी, राइट। अब इस लिस्ट को ध्यान से देखिए, यहां पर अगर मैंने मान लीजिए डी ई एल लिखा तो ये दोबारा से बार बार जो है वो हिट करेगा सर्वर के ऊपर, राइट। तो इससे बचने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को ये करना चाहिए कि जैसे मैंने यहां पर एक सेट किया है, देखिए यहां पर मैंने सर्च जो टेक्स्ट है दिस वन बाइंड वैल्यू दैट इज सर्च टेक्स्ट की जो वैल्यू है वो हमेशा टू वे बाइंडिंग में चलेगी और वो चेंज होता रहेगा, राइट। लेकिन उसकी लेंथ अगर जीरो है तो यहां पर मैंने इज शोइंग डेटा लिस्ट को फॉल्स कर दिया कि डेटा लिस्ट शो नहीं होगी, दैट इज फॉल्स, डेटा लिस्ट में जो आइटम्स है वो जीरो सेट हो जाएंगे अगर उसके पास जो लेंथ है वो जीरो है। अगर एल्स इफ उसकी वैल्यू या लेंथ अगर तीन से ज्यादा है, राइट, तो हम लोगों को क्या करना है, या हम लोगों को जो सजेशन लेने हैं वो तीन के बाद में लेने हैं, तीन कैरेक्टर के बाद में, या ऐसा होना चाहिए कि हम लोगों को वो सर्चिंग में डालता रहे, राइट, टेक्स्ट को। तो इसके लिए बार बार वो हिट ना करें सर्वर के ऊपर, तो इसके लिए हम लोगों को एक टाइमर लेना पड़ेगा। तो वहां पर मैं टाइमर यूज करने वाला हूं अभी, सिस्टम डॉट टाइमर। तो यहां पर मैं एट द रेट यूजिंग और मैं यूज कर लेता हूं सिस्टम डॉट टाइमर, राइट। तो सिस्टम डॉट टाइमर जो है वो यहां पर आप लोगों को एक टाइमर सेट करना है, और टाइमर से होगा क्या वो मैं बताता हूं कि हर एक तीन सेकंड बाद या चार सेकंड बाद या पांच सेकंड बाद आप लोगों की जो लिस्ट है वो एक टाइम टिक होगा और उससे वो सर्च मेथड जो है वो कॉल करेगा। तो जो आप लोग लिख देंगे तीन कैरेक्टर के बाद में वो दोबारा से उसे रीसेट करेगा टाइमर को और दोबारा से हिट करेगा, वो इंटरवल देगा और फिर वो लिस्ट जो है वो आप लोगों के पास शो होगी। ऐसा नहीं है कि वो हर एक की स्ट्रोक के ऊपर आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन दे, अगर ऐसा देगा तो फिर तो आप लोगों का लोड जो है वो ज्यादा बढ़ने लग जाएगा, राइट। तो हम लोग यहां पर क्या यूज कर लेंगे, प्राइवेट टाइमर अंडरस्कोर टाइमर, ये हम लोग यूज कर लेंगे, राइट, टाइमर और अंडरस्कोर टाइमर, राइट। अब मैंने यहां पर ये अंडरस्कोर टाइमर जो है वो यूज किया है और मैं इसको ऑन ओवरराइड ऑन इनिशियलाइज्ड, अब ध्यान से देखना आप लोग, ऑन इनिशियलाइज्ड जो है मैं इसके अंदर इस टाइमर को यूज कर रहा हूं, अंडरस्कोर टाइमर इक्वल्स टू न्यू टाइमर, राइट। अब मैं इस टाइमर में क्या करना चाहता हूं, जैसे कि इसका इंटरवल सेट करते हैं पहले, अंडरस्कोर टाइमर डॉट इंटरवल, राइट, और इंटरवल कितना होना चाहिए वो हम लोग यहां पर उसकी जो टाइमर की जो हम लोग एक सेट करते हैं उसे हम लोग डिबाउंस बोलते हैं, राइट। तो यहां पर हम लोग एक सेट करते हैं, एक और जो पैरामीटर है वो हम लोग सेट करते हैं, पैरामीटर राइट, और पैरामीटर में हम लोग यहां पर सेट करते हैं पब्लिक
इंटीजर डिबोन्स, डिबोन्स में हम लोग यहां पर सेट करते हैं गेट सेट, और यहां पर हम लोग सेट कर देते हैं उसको डिबोन्स में दैट इज 500, ठीक है। तो ये 5 सेकंड के बाद में दोबारा से उसे हिट करेगा। अब क्या हिट करेगा वो दिखाते हैं। ये जो डिबोन्स टाइमर है यहां पर हम लोग डाल देते हैं डिबोन्स, ठीक है। अब डिबोन्स मैंने इसमें डाल दिया तो इसका मतलब क्या निकला कि 5 सेकंड हो गए, 500 मिली सेकंड का मतलब है 5 सेकंड। उसके बाद में अपने पास अंडरस्कोर टाइमर जो है डॉट, यहां पर जो ऑटो रीसेट जो फीचर है अपने आप ही रीसेट नहीं होना चाहिए, यहां पर मैं डाल देता हूं फॉल्स। ये क्या करेगा अपने आप उसे रीसेट नहीं करेगा, मैनुअली रीसेट होगा, मैनुअली स्टार्ट होगा। तो यहां पर ये सिर्फ एक बार ही, इंटरवल पूरा होने के बाद में सिर्फ एक बार ही टिक करेगा। तो यहां पर टिक करेगा उसमें हम लोगों को एक मेथड कॉल करवाना है यहां पर इसको। तो मैं यहां पर लिखता हूं टाइमर डॉट इलैप्स्ड, ठीक है। ये एक इवेंट है और इस इवेंट पर हम लोग क्या लिखते हैं प्लस इक्वल्स टू, हम लोगों को करना है सर्च, राइट। अब इसके हर एक टिक इवेंट पर हम लोगों को सर्च करना है और हम लोगों को जो डेटा लिस्ट है वो शो करनी है, गॉट इट। ओके, सो अभी हम लोग यहां पर क्या करेंगे, यहां पर ये जो सर्च मेथड है इसको हम लोग जनरेट करेंगे। सो कंट्रोल डॉट करते हैं इस पर, अगर विजुअल स्टूडियो से ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है तो ठीक है। ओके, यहां पर कोई भी सजेशन जो है वो मेरे पास नहीं आया है, इसे बनाना पड़ेगा। सो यहां पर हम लोग लिखते हैं प्रोटेक्टेड, ओके, एसिंक void, और यहां पर है दैट इज सर्च, और इसमें हमारे पास आर्ग्यूमेंट जो होंगे वो होगा ऑब्जेक्ट सोर्स और इलैप्स्ड इवेंट आर्ग्स दैट इज e। ध्यान से देखना आप लोग, इस चीज को समझने की कोशिश करना, यहां पर ये चीज क्यों लिया गया है। यहां पर ये है जब भी ऑन इनिशियलाइज एसिंक होगा तो फर्स्ट टाइम एक बार इनिशियलाइजेशन जो लाइफ टाइम का इवेंट होता है वो कॉल होता है, यहाँ पर टाइम टिक होगा, डिबाउंस जो टाइम है दैट इज 5 सेकंड के बाद में एक बार जो है सर्च मेथड जरूर कॉल होगा, ऑटो रीसेट फॉल्स है। तो यहाँ पर हम लोग जो है सर्च करना स्टार्ट कर देगा वो। तो यहाँ पर हम लोग एक सर्चिंग जो है वो ले लेते हैं प्राइवेट इज, स्ट्रिंग टाइप नहीं होगा, बूलियन टाइप होगा, दैट इज बूल इज सर्चिंग तो by default false हम लोग इसको रख देते हैं। लेकिन जब भी एक single time tick होगा, यहाँ पर ये tick होगा, तो यहाँ पर ये is searching जो है, यहाँ पर is searching जो है, उसे हम लोग क्या कर देंगे? उसे हम लोग true कर देंगे, ठीक है? जब ये true हो गया, तो हमारी जो data list है, is showing data list, वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी? That is false। अभी जो है, ये search कर रहा है, that is true, लेकिन ये false हो जाएगी, ये हम लोगों को दिखाई नहीं देगी। हम लोग यहां पर लिखेंगे await invoke async, और यहां पर हम लोग लिखेंगे state has changed का मतलब ये होता है ये दोबारा से UI को लोड करेगा। अब इस UI को लोड करेगा तो इस UI के अंदर हम लोग यहां पर लिख सकते हैं if is searching, इस बार सर्चिंग जो है वो ट्रू होगा, तो इसमें जो भी कंटेंट हम लोग लिखेंगे वो इस बार इसमें आ जाएगा, राइट। तो हम लोग यहां पर एट द रेट का सिंबल लगा देते हैं, एट द रेट इफ इज सर्चिंग, राइट। तो क्योंकि ये एक बार टिक करेगा तो ये दोबारा से स्टेट को चेंज करेगा और हमारे पास रिजल्ट जो है सर्चिंग में सर्च करना स्टार्ट कर देगा। तो हमारे पास जो डेटा लिस्ट है उसमें क्या आएगा, दैट इज डेटा लिस्ट। डेटा लिस्ट में हम लोग ये जो है यहां पर डाल सकते हैं await, जो डेटा लिस्ट है हमारे पास। अब हम लोग यहां पर जो है सर्च रिजल्ट जो है हम लोगों को चाहिए है, जहां पर हम लोग ये स्ट्रिंग जो है, जो भी सर्चिंग जो टेक्स्ट है हमारा, दैट इज द हमारा जो सर्च टेक्स्ट है, सर्चिंग टेक्स्ट, वो हम लोग इसमें डाल दें और ये जहां पर भी इसके पास कंटेनर है वहां से डेटा लेकर आए। तो हमारे पास लेकर आएगा तो हम लोगों को बोलना पड़ेगा दैट इज पैरामीटर, ये एक हमारा पैरामीटर है।
और पैरामीटर जो है वो हम लोगों को एक टाइप ऑफ डेलीगेट जो है वो इसमें ऐड करना पड़ेगा। डेलीगेट अगर आप लोगों को समझना है तो आप लोग कहाँ पर जा सकते हैं, टेक्नोलॉजी क्रीडा पर जा सकते हैं, वहां पर मैंने डेलीगेट्स को समझाया है, तो आसानी से आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगी। यहां पर हम लोग यूज करेंगे फंक्शन फंक FUNC फंक, और यहां पर हम लोग जो इनपुट डाल रहे हैं वो दैट इज स्ट्रिंग, और यहां पर जो रिजल्ट ले रहे हैं दैट इज टास्क ऑफ आई इन्यूमरेबल ऑफ, हमारा जो यहां पर जो आउटपुट होगा वो होगा हमारा दैट इज टाइप ऑफ, हमारा जो डेटा लिस्ट है इट्स ए टाइप ऑफ एरे राइट। तो हमारा डेटा लिस्ट जो है वो टी टाइप का है, तो हम लोग यहां पर लिख देते हैं टी राइट। दिस वन इज क्लोज्ड, इन्यूमरेशन इज क्लोज एंड द फंक्शन इज ऑल्सो क्लोज, तो हम लोग यहां पर लिख देंगे रिजल्ट, जो हमारा रिजल्ट आएगा वो इस फॉर्म में आएगा, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे गेट एंड सेट राइट। तो ये गेट एंड सेट हो गया। अब हमारे पास जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट है हमारा राइट, तो ये यहां पर हम लोग इन्वोक करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे इन्वोक राइट, और हम लोगों को जो इन्वोक करना है लेकिन वो रिजल्ट के थ्रू करना है राइट, तो रिजल्ट को इन्वोक करना, तो हम लोग लिखेंगे क्योंकि यहां से हम लोगों को स्ट्रिंग भेजना है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे रिजल्ट डॉट इन्वोक, और यहां से जो भेज रहे हैं दैट इज अंडरस्कोर सर्चिंग टेक्स्ट, यहां से ये भेजेंगे, और आउटपुट जो है वो हमारा किसमें होगा, इट्स अ टाइप ऑफ फॉर्मेट डॉट टू एरे की फॉर्मेट में हम लोग यहां पर लेंगे, इसका आउटपुट जो है वो एरे की फॉर्मेट में हमारे पास डेटा लिस्ट में आ जाएगा, क्योंकि डेटा लिस्ट में हमारे पास आउटपुट आता है राइट। इसके बाद में जब आउटपुट आप लोगों के पास आ जाएगा तो इज सर्चिंग जो है वो फॉल्स हो जाना चाहिए, जो सर्च कर रहा होता है उसको हमारे पास आ जाना चाहिए फॉल्स, और इज शोइंग जो डेटा लिस्ट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा दैट इज ट्रू, जो डेटा लिस्ट है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगी। अवेट स्टेट हैज चेंज्ड इनवोक, मैंने बोल दिया आप लोगों को कि हमारा जो ये मेथड है स्टेट चेंज, इसका मतलब है दोबारा से यूआई लोड होता है, इनवोक एसिंक स्टेट हैज चेंज्ड राइट, तो ये से स्टेट जो है वो चेंज हो जाता है और फाइनली अपना काम जो है वो हो जाता है। तो हम लोग यहां पर अगर इज सर्चिंग शो है कि वो सर्च कर रहा है, तो हम लोग यहां पर स्पैन टैग के अंदर जिफ डाल देते हैं या लोडिंग लिख देते हैं राइट, कि वो लोडिंग जो है वो हो रहा है। अब है हमारे पास एल्स इफ, हम लोग एल्स इफ लगाते हैं, और एल्स इफ में हम लोग ये देखते हैं कि शो हो रही है क्या डेटा लिस्ट राइट, शो डेटा लिस्ट, यहां पर देखिए मैंने यहां पर लिखा है एक मेथड है हमारे इस शोइंग डेटा लिस्ट है, दिस वन शो डेटा लिस्ट, यहां पर सर्च मेथड है शो डेटा लिस्ट राइट, तो यहां पर मैंने यहां पर लिखा है डेटा लिस्ट डॉट एनी अगर है तो इज शोइंग डेटा लिस्ट इज ट्रू हो जाएगा राइट, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे कि डिस्प्ले डेटा लिस्ट राइट, तो हम लोग यहां पर लिख देते हैं डिस्प्ले इज डिस्प्ले डेटा लिस्ट मेथड बना देते हैं, तो मेथड का नाम तो हम लोगों को ये लिखना पड़ेगा डिस्प्ले डेटा लिस्ट मेथड, जो कि डिस्प्ले करवाता है मेथड को, जो कि क्या रिटर्न करेगा हमारे पास बूलियन वैल्यू जो है वो रिटर्न करना चाहिए राइट, तो यहां पर हम लोग डिस्प्ले डेटा, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे डिस्प्ले डेटा लिस्ट मेथड जो है वो एक्चुअली में रिटर्न करेगा, यहां पर हम लोग लिख देते हैं प्राइवेट बूल, ऊप्स कंट्रोल बी हो गया, कंट्रोल बी डेटा लिस्ट, और यहां पर ये रिटर्न करता है बूलियन टाइप को वैल्यू राइट, तो यहां पर हम लोग रिटर्न लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे इज इज डेटा इज शोइंग डेटा लिस्ट डबल एंड डेटा लिस्ट डॉट एनी, कोई डेटा है या नहीं है, अगर उसमें कोई डेटा है डेटा लिस्ट के अंदर कोई डेटा है तो ये क्या रिटर्न कर देगा दैट इज, इन दोनों का जो रिजल्ट होगा ट्रू एंड फॉल्स होगा, तो होगा तो हमारे पास यहां पर क्या जाएगा इफ डिस्प्ले डेटा लिस्ट जो है वो डिस्प्ले होना स्टार्ट होता। तो अभी हम लोगों को यहां पर क्या करना है, जैसे कि यहां पर मैंने लिखा डाटा डिस्प्ले डेटा लिस्ट, तो डिस्प्ले डेटा लिस्ट का रिजल्ट क्या आएगा, अगर हमारे पास जो है इज शोइंग डेटा लिस्ट ट्रू है और डेटा लिस्ट के पास कुछ डेटा है तो हम लोगों को यहां पर डिस्प्ले जो है वो डेटा लिस्ट के आइटम्स को करना है राइट, तो यहां पर हम लोग डिवीजन यूज कर लेते हैं,
और यहां पर हम लोग ये डिवीजन क्लोज कर देते हैं। ओके एंड फाइनली आप लोगों को पता है कि हम लोगों को ये डिवीजन हो गया, इसमें हम लोग यूज करते हैं एट द रेट फॉर ईच लूप। और ये जो फॉर ईच लूप है वो क्या कहता है, हमारे पास होने चाहिए डेटा लिस्ट, राइट, आइटम कलेक्शन के अंदर है हमारे पास डेटा लिस्ट। अब ये डेटा लिस्ट जो है राइट, इसमें से हमारे पास आइटम्स आने हैं, तो ये हम लोग लगा देते हैं डिवीजन, यहाँ पर क्लोज कर देते हैं डिवीजन। अब इस डिवीजन में एक परफेक्टली जो आइटम मैच करवाएगा वो होता है की इक्वल्स टू आइटम, ये हम लोग वन बाई वन आइटम डाल देते हैं, जो मैच कर देगा वो यहाँ पर आ जाएगा, राइट। यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, और यहाँ पर हम लोग एक रेंडर फ्रेगमेंट करके जो रिजल्ट टेम्पलेट है वो ले लेते हैं, और टेम्पलेट हम लोग बाहर बना लेंगे, रिजल्ट टेम्पलेट, राइट। तो हम लोग यहाँ पर एक या आउटपुट टेम्पलेट जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका नाम जो है वो मैं रिजल्ट रख लेता हूँ, रिजल्ट टेम्पलेट, राइट, रिजल्ट टेम्पलेट ऑफ आइटम, राइट। तो आप लोगों के पास ये रिजल्ट हो जाएगा, यहां पर रिजल्ट टेम्पलेट के थ्रू उसमें आइटम जाएगा, राइट। तो यहां पर मैंने लिखा रिजल्ट टेम्पलेट। अब रिजल्ट टेम्पलेट है क्या, ये तो हम लोगों को बताना पड़ेगा, तो अभी हम लोग यहाँ पर ये रिजल्ट टेम्पलेट जो है वो बताते हैं सबसे पहले। तो हम लोग यहीं पर लिख देते हैं दैट इज द टाइप ऑफ पैरामीटर, उसके बाद में हम लोग इन चीजों को दोबारा से आप लोगों को समझाने की मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों के लिए ये चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो गई हो। रेंडर फ्रेगमेंट हम लोग यूज करते हैं ताकि हम लोग उसका कंटेंट जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले कर सके, राइट। तो यहाँ पर अपने पास है टी, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं रिजल्ट टेम्पलेट और गेट सेट, राइट। तो ये अपने पास आ गया रिजल्ट टेम्पलेट, यहाँ पर जो है वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा, और हम लोगों ने वहां पर क्या डाल दिया, दैट इज टाइप ऑफ टी। तो हम लोगों के पास वो जो रिजल्ट है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, गॉट इट। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोगों को करना है एक और इफ लगाना है। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा हमारे पास डेटा जो है वो डिस्प्ले जो है वो ना हो, तो हम लोग यहाँ पर लगाते हैं एल्स इफ, एक और एल्स इफ यहाँ पर लगाते हैं, और हम लोग यहाँ पर लिखते हैं डेटा नॉट फाउंड। ये हमारे पास मेथड रहेगा डेटा नॉट फाउंड का, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर डेटा नॉट फाउंड के नाम से हम लोग एक और मेथड बना लेते हैं, राइट। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं प्राइवेट बूल डेटा नॉट फाउंड, और इसमें हम लोगों को रिटर्न करना है नॉट, अगर अपने पास डेटा लिस्ट में कोई डेटा नहीं है तो डॉट एनी, और साथ ही जो इज शोइंग डेटा लिस्ट जो है वो हमारे पास ट्रू है, तो अगर हमारे पास इज शोइंग डेटा लिस्ट ट्रू है तो, और साथ ही इसमें डेटा लिस्ट में कोई डेटा नहीं है तो ये क्या करेगा, रिटर्न ट्रू कर देगा। और अगर ये रिटर्न ट्रू कर देगा यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पर जो डिस्प्ले होगा वो यहाँ पर नॉट फाउंड का टेम्पलेट हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो एट द रेट इफ, अगर अपने पास नॉट फाउंड का टेम्पलेट नहीं है, नॉट फाउंड टेम्पलेट, ठीक है, इज नॉट इक्वल्स टू नल, हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं इज नॉट इक्वल्स टू नल, अगर नल नहीं है तो नॉट फाउंड वाला जो टेम्पलेट है वो यहाँ पर डाल देते हैं एक डिवीजन, और यहाँ पर हम लोग यूज कर लेते हैं डिवीजन एट द रेट नॉट फाउंड टेम्पलेट, ठीक है, एक रेंडर फ्रेगमेंट बना लेंगे नॉट फाउंड टेम्पलेट का। उसके बाद में एल्स, अगर ये नहीं है मान के चलिए, तो हमारे पास ये जो डेटा है वो हम लोग डिस्प्ले करवा सकते हैं, दैट इज डिवीजन, ये मैं डिवीजन क्लोज कर देता हूं, यहां पर है डेटा नॉट फाउंड। बात समझ के चलिए आप लोग, ये जो नॉट फाउंड टेम्पलेट है ये हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को एज ए रेंडर फ्रेगमेंट जो है वो बनाना होगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर नॉट फाउंड टेम्पलेट है, तो नॉट फाउंड टेम्पलेट को रेंडर फ्रेगमेंट बनाते हैं। तो जस्ट यहाँ पर इसका कंट्रोल डी कर देते हैं, रेंडर फ्रेगमेंट है और यहाँ पर नॉट फाउंड टेम्पलेट हम लोगों को बनाना है, तो यहाँ पर कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा और ये आएगा नॉट फाउंड टेम्पलेट।
राइट। तो ये नोट फाउंड टेम्पलेट जो है वो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्प्ले कर दिया है। रिजल्ट टेम्पलेट आ गया, नोट फाउंड टेम्पलेट आ गया, डेटा लिस्ट आ गई, डिबाउंस आ गया, शोइंग डेटा लिस्ट आ गया, सर्चिंग टेक्स्ट आ गया, टाइमर आ गया, ये सब कुछ रिजल्ट आ गया हमारा। अब हम लोगों को यहाँ पर देखना है, मैं दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ। जब सबसे पहले हम लोग कुछ भी टाइप करेंगे इसमें, तो हमारे पास अब बाइंड वैल्यू इनपुट ऑन इनपुट, ये इसका मतलब है कि जब भी हम लोग इसमें कोई भी वैल्यू टाइप करेंगे तो सर्च टेक्स्ट जो भी होगा वो रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, जो बाइंड वैल्यू है। तो सर्च टेक्स्ट जो है वो हमारे पास ऑन इनिशियलाइज के अंदर, देखिए हम लोगों ने सर्च मेथड भी यहाँ पर अप्लाई कर रखा है, राइट। जब हम लोग सर्च मेथड यहाँ पर अप्लाई कर रखा है तो हर एक टाइमर के बाद में, यानी कि 5 सेकंड के बाद में, क्योंकि डिबाउंस हम लोगों ने यहाँ पर लगा रखा है 5 सेकंड का, तो हर एक 5 सेकंड के बाद में ये जो सर्च मेथड है ये कॉल होता है जब भी हम लोग उसमें कुछ भी टाइप करेंगे, राइट। तो हमारे पास क्या जाएगा यहाँ पर, सर्च मेथड जो है वो कॉल होगा इज सर्चिंग इक्वल्स टू ट्रू, ये जो इज सर्चिंग है वो ट्रू हो जाएगी। अगर इज सर्चिंग ट्रू हो जाएगी, इज शोइंग डेटा लिस्ट फॉल्स हो जाएगी, मतलब डेटा लिस्ट को शो नहीं करना है एक बार के लिए, सर्चिंग ट्रू करना है। तो जैसे ही सर्चिंग ट्रू करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, लोडिंग नाम से यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों ने स्टेट चेंज कर दिया इसके बाद में, जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेट हैज चेंज्ड। तो जैसे ही हम लोगों ने स्टेट चेंज कर दिया तो इज सर्चिंग जो ट्रू हो गया और हमारे पास क्या गया, हमारे पास लोडिंग लिखा हुआ एक डिवीजन आ गया। उसके बाद में हमारे पास डेटा लिस्ट जो है वो विजिबल हो जाएगी जब वो रिजल्ट डॉट इनवोक करके सर्चिंग टेक्स्ट को वहां से डेटा लेकर आएगी। तो रिजल्ट डॉट इनवोक क्या है, दैट इज यहाँ पर एक फंक्शन है जिसमें हम लोग यहाँ पर इनपुट डालते हैं कोई भी स्ट्रिंग, जैसे कि हम लोगों ने सर्च टेक्स्ट को डाला है, सर्च टेक्स्ट जो भी हम लोग लिखेंगे उसमें, और यहाँ से जो लेकर आएगा दैट इज आई इनुमरेबल टाइप ऑफ टी, टी कुछ भी हो सकता है, हमारा लिस्ट ऑफ ऑथर हम लोग यहाँ पर लेंगे, या लिस्ट ऑफ जो बुक्स हैं वो भी हम लोग ले सकते हैं, जो भी व्हाटएवर जो भी होगा। उसके बाद में ये सर्चिंग जो है वो तो हो जाएगा फॉल्स, यानी कि सर्च करना फॉल्स कर देगा, और यहाँ पर इस शोइंग डेटा लिस्ट हो जाएगा ट्रू, ठीक है। उसके बाद में इनवोक्स एसिंक डेटा लिस्ट जो है वो हम लोगों को इस शोइंग डेटा लिस्ट जो है वो ट्रू हो जाएगा। जैसे ही इस शोइंग डेटा लिस्ट जो है वो ट्रू होता है तो हम लोगों को डेटा जो है वो एक डिवीजन की फॉर्म में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डिस्प्ले डेटा लिस्ट, राइट, तो डिस्प्ले डेटा लिस्ट है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डिस्प्ले डेटा लिस्ट में क्या मेंशन किया है, इस शोइंग डेटा लिस्ट अगर ट्रू होगा और उसमें अगर कोई भी डेटा लिस्ट ऑफ एनी डेटा होगा तो हम लोगों को क्या दिखाई देगा, दैट इज डिस्प्ले डेटा लिस्ट। और स्टेट चेंज हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हम लोगों ने सर्च मेथड के अंदर लिखा है, ये रिजल्ट मिलेगा उसके बाद में यहाँ पर फॉल्स, ये ट्रू, क्योंकि ये शोइंग ट्रू हो गया, और इनवोक चेंज, इनवोक चेंज होते ही हम लोगों को यहाँ पर ये फंक्शन कॉल होगा डिस्प्ले डेटा लिस्ट, और हम लोगों को ये फॉर ईच के अंदर ये आइटम्स जो है वो दिखाई देंगे। अब मैं आप लोगों को इसको दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये हो सकता है आप लोगों के लिए टिपिकल हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये इनपुट बॉक्स है, तो इनपुट बॉक्स तो आप लोग बना ही लोगे, ठीक है, सिंपल सर्च ऑथर जहाँ पर लिखा गया है, ये हर एक चीज में सर्च ऑथर ही आप लोगों को दिखाएगा। अगर आप लोग ये पैरामीटर बना देते हैं प्लेस होल्डर, तो ये आप लोग पैरामीटर भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑटो कम्प्लीट है ऑफ, यहाँ पर टाइप है टेक्स्ट। अब यहाँ पर लिखा हुआ देखिए ऑन क्लिक शो डेटा लिस्ट, और ये ऑन फोकस आउट जो है वो है हाइड डेटा लिस्ट, ये बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पर आप लोगों को। यहाँ पर सबसे पहले देखिए बाइंड वैल्यू यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सर्च टेक्स्ट, और बाइंड वैल्यू इवेंट क्या लिखा हुआ है, दैट इज ऑन इनपुट, यानी कि ऑन इनपुट का मतलब है जब भी उस टेक्स्ट बॉक्स में हम लोग कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ पर ये सर्च जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर हम लोग इनको तो हाइड करते हैं एक बार के लिए, वन बाय वन इन चीजों को हम लोग दोबारा से देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले सर्च टेक्स्ट जो है जब भी हम लोग लिखेंगे तो सर्च टेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी, राइट। तो यहाँ पर ये जो है सर्च टेक्स्ट ये रिफ्लेक्ट होगा, और यहाँ पर जो वैल्यू है वो सर्च टेक्स्ट के अंदर आ जाएगी जो भी हम लोग उसमें लिखते हैं, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट उसी से होगी, राइट। यहाँ पर जो रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पर आप लोग देखिए, मैंने यहाँ पर सर्च टेक्स्ट, चलो यहाँ पर इसी बात को समझते हैं पहले, सर्च टेक्स्ट रिफ्लेक्स हुआ, रिफ्लेक्ट होते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू है वो सर्चिंग टेक्स्ट के अंदर आ गई, मतलब हम लोगों ने एक सर्चिंग टेक्स्ट नाम से एक प्रॉपर्टी ले रखी है दिस वन, उसमें वो वैल्यू आ जाती है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सर्चिंग टेक्स्ट की जो लेंथ है वो जीरो है या नहीं, जीरो नहीं है तो हमारे पास कुछ लेंथ है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि जब वैल्यू 3 से बढ़ जाए और यूजर लिखना बंद कर दे तब ये चीजें आप लोगों के पास आए, राइट। तो हम लोगों ने यहाँ पर एल्स इफ लगाया, गॉट इट, एल्स इफ का मतलब है कि वैल्यू जो है वो जीरो तो नहीं है और वैल्यू की जो लेंथ है वो मिनिमम लेंथ से ज्यादा है, तो हम लोग यहाँ पर एक मिनिमम लेंथ के नाम से पैरामीटर जो है वो और बना लेते हैं।
तो यहां पर मैं एक और पैरामीटर जो है वो बनाता हूं, ठीक है। यहां पर हम लोग लिखते हैं पब्लिक इंटीजर, और यहां पर लिखते हैं मीन लेंथ, और इसमें हम लोग लिखते हैं गेट सेट, इसमें हम लोग यहां पर लिखते हैं 3 कि मिनिमम लेंथ जो है उसका वो 3 है, तो हम लोग यहां पर लिख देते हैं दैट इज मीन लेंथ। अगर वो मिनिमम लेंथ से ज्यादा है और बराबर है तो हम लोग क्या करें, यहां पर हमारे पास होना चाहिए कि हम लोग जो है मिनिमम लेंथ है तो हम लोग सजेशन लिस्ट को जो है वो शो करना स्टार्ट कर दें। तो मिनिमम लेंथ जो है वो हमारा जो है वो 3 है, तो उससे अगर वो ज्यादा होता है, उससे बराबर होता है, तो हमारे पास जो हम लोगों ने टाइमर ले रखा है। अब ये टाइमर क्यों लिया, ताकि यूजर लिखना जब बंद कर दे तब ये जो सर्च मेथड जो होगा ऑन इनिशियलाइज्ड, सबसे पहले कॉल होता है ऑन इनिशियलाइज्ड के अंदर टाइमर जो है वो इनिशियलाइज हो चुका, उसका टाइमर सेट हो चुका, दैट इज 5 सेकंड, मिलीसेकंड, और 5 सेकंड के बाद में वो इस सर्च मेथड को कॉल करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और इस सर्च मेथड के अंदर हमारे पास क्या है, इस सर्च मेथड के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर देखिए ये लिख रखा है, राइट। तो हम लोग जो भी टाइपिंग करेंगे वो उस पर डिपेंड करेगा सबसे पहले, राइट। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा मिनिमम लेंथ दिस वन, यहाँ पर भी देखिए सर्चिंग टेक्स्ट की जो लेंथ है वो अगर 0 है तो यहाँ पर जो टाइमर है सबसे पहले क्या होगा, इन शोइंग डेटा लिस्ट जो है वो फॉल्स हो जाएगा, और उसके बाद में जो टाइमर हम लोगों ने ले रखा है दैट इज अंडरस्कोर टाइमर, राइट। तो ये जो अंडरस्कोर टाइमर हम लोगों ने ले रखा है डॉट स्टॉप हो जाएगा, राइट, ये स्टॉप हो गया, अंडरस्कोर टाइमर जो है वो स्टॉप हो गया। इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडरस्कोर टाइमर स्टॉप हो जाएगा और फिर ऑन हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम लेंथ हो गई। और यहां पर हम लोग यूज कर लेते हैं टाइमर डॉट स्टार्ट, ठीक है। तो ये टाइमर यहाँ पर मिनिमम लेंथ स्टार्ट हो गया। तो इस केस में हमारे पास क्या होता है, टाइमर तो पहले से ही ऑन इनिशियलाइज्ड के अंदर हमारा स्टार्ट है, राइट। तो लेकिन ये सर्चिंग टेक्स्ट जो होता है वो यहाँ पर टाइमर को दोबारा से टिक कर देता है, स्टार्ट करता है तो दोबारा से टिक कर देता है, तो दोबारा से सर्च मेथड जो है वो हमारे पास कॉल होता है। तो सर्च मेथड में हम लोगों ने ये लिख रखा है कि सबसे पहले जो है जो इज सर्चिंग है उसको तो कर दे ट्रू। इज सर्चिंग में एक सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ होगा जो कि आप लोगों को डिस्प्ले होगा, लेकिन वो तभी होगा जब स्टेट चेंज होगी। तो यहाँ पर देखिए इज सर्चिंग तो ट्रू हो जाएगा, इज शोइंग डेटा लिस्ट फॉल्स हो जाएगा। शोइंग डेटा लिस्ट का फॉल्स मतलब है कि डेटा लिस्ट आप लोगों को अभी शो नहीं होगी, उसके बाद में इनवोक एसिंक कर दिया, स्टेट चेंज कर दिया, स्टेट चेंज करते ही आप लोगों को क्या दिखाई देने लग जाएगा, क्योंकि ये ट्रू हो गया ना उस केस में, तो यहाँ पर ट्रू होते ही ये लोडिंग आप लोगों को दिखाई देना स्टार्ट कर देगा उस केस में। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, दोबारा से डेटा लिस्ट के अंदर डेटा आएगा, लेकिन ये डेटा आर कहाँ रहा है, पेरेंट कंपोनेंट से आप लोगों के पास जो डेटा है वो आ रहा है जब आप उसमें सर्चिंग टेक्स्ट सेंड कर रहे हैं, राइट। जब आप लोग उसमें सर्चिंग टेक्स्ट सेंड कर रहे हैं तो आप लोगों ने किसको कॉल किया, दैट इज रिजल्ट को। अब ये रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है आप लोगों का एक फंक्शन जो आप लोगों का यहाँ से इनपुट देंगे तो आउटपुट टाइप में आप लोगों को ये दिखाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट डॉट इनवोक कर लिया, उसमें भेज दिया, तो डेटा लिस्ट के पास एक्चुअल में डेटा लिस्ट ही आ जाएगा, दैट इज आई इनमेमोरेबल टाइप ऑफ दिस, या एरे टाइप ऑफ टी आइटम। टी आइटम में कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है आप लोगों का और ऑथर भी हो सकता है, ठीक है। तो वो डेटा आप लोगों के पास आ जाएगा यहाँ पर, उसके बाद में सर्चिंग फॉल्स हो जाएगा, और उसके बाद में इस शोइंग डेटा लिस्ट जो है वो ट्रू हो जाएगा और इनवोक एसिंक हो जाएगा ना। तो दोबारा से स्टेट चेंज हो गया, तो इस बार तो ये तो फॉल्स कर दिया हम लोगों ने, और इसके बाद में इज जो इफ डिस्प्ले डेटा है, राइट, ये अब ये चेक करेगा इफ डिस्प्ले डेटा में क्या है, क्योंकि डिस्प्ले डेटा लिस्ट जो है, डिस्प्ले डेटा लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये है इस डिस्प्ले डेटा लिस्ट में, यहाँ पर है इस शोइंग डेटा लिस्ट, और यहाँ पर हम लोगों ने जब सर्चिंग मेथड था तो इस शोइंग डेटा लिस्ट को ट्रू कर दिया था, तो डेटा लिस्ट में डेटा भी है, तो ये क्या करेगा, इसको दिखा देगा अपने को, ठीक है, डिस्प्ले डेटा लिस्ट को, तो क्योंकि स्टेट चेंज हो चुकी है, तो यहाँ पर ये रिजल्ट टेम्पलेट दिखाएगा, दैट इज व्हाट इज दिस रिजल्ट टेम्पलेट। रिजल्ट टेम्पलेट हम लोगों ने यहाँ पर बनाया है, इट्स ए टाइप ऑफ रेंडर फ्रेगमेंट, और यहाँ पर आएगा टी, यानी टी का मतलब रिजल्ट टेम्पलेट में हमारे पास आ जाएगा एक टाइप ऑफ जो भी उसके अंदर लिखा होगा वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा दैट इज रिजल्ट टेम्पलेट। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखे रिजल्ट टेम्पलेट ऑफ आइटम, यहाँ से जो भी हम लोग भेजेंगे वो हमारे पास आ जाएगा, राइट। तो रिजल्ट टेम्पलेट हम लोगों ने लिखा और आइटम हम लोगों ने यहां से भेज दिया, राइट। ये आइटम हमारे पास है दैट इज डाटा लिस्ट, क्योंकि डाटा लिस्ट में फॉर ईच में हम लोगों ने डाटा लिस्ट है, डाटा लिस्ट में हमारे पास पूरा का पूरा डाटा है, ठीक है। वहां से हम लोगों ने आइटम भेज दिया और रिजल्ट टेम्पलेट में हमारे पास डेटा जो है वो दिखाई दे देगा, गॉट इट। तो वहां पर हम लोग सिंपल कॉन्टेक्स्ट काम में लेंगे, रिजल्ट टेम्पलेट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल कॉन्टेक्स्ट काम में लेंगे, ओके। तो यहाँ पर एक डेटा सा हम लोगों को दिखाई देगा, वो
गॉट इट। तो यहां तक तो हम लोगों ने इसको कर लिया, डेटा नॉट फाउंड। यहां पर अगर डेटा नॉट फाउंड होता है तो हम लोगों को ये टेम्पलेट जो है, नॉट फाउंड टेम्पलेट जो है वो दिखाई दे देगा, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने कर लिया, आप लोग देख सकते हैं डेटा नॉट फाउंड हो गया दिस वन। ये हम लोगों ने दो और फंक्शन किए यहाँ पर, दैट इज जब हम लोग क्लिक करें और फोकस आउट करें तो शो डेटा लिस्ट हो जाए। तो देखिए मैंने आप लोगों को ऑन इनिशियलाइज्ड का बता दिया कि हम लोगों ने टाइमर यूज किया हुआ है, हम लोगों ने डेटा नॉट फाउंड का बता दिया जब डेटा नहीं मिले तो क्या होना चाहिए, डेटा लिस्ट में नहीं है और शोइंग डेटा लिस्ट ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर है सर्च मेथड, मैंने आप लोगों को बता दिया कि कब कॉल होता है सर्च मेथड, सर्चिंग टेक्स्ट बता दिया, शो डेटा लिस्ट। शो डेटा लिस्ट का मतलब क्या होता है, डेटा लिस्ट तब शो होगी जब उसमें डेटा होगा और शोइंग डेटा लिस्ट जो है वो ट्रू होगा, राइट। और हाइड डेटा लिस्ट का मतलब है कि हम लोगों को इस शोइंग डेटा लिस्ट को फॉल्स करना है ना, और इसमें हम लोगों को ट्रू करना है डिस्प्ले डेटा लिस्ट को। तो इस शोइंग डेटा लिस्ट एंड डेटा लिस्ट डॉट एनी, राइट, इस टाइप के डेटा हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब हम लोग इसको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास शेयर्ड प्रोजेक्ट, यहाँ पर हमारे पास है सर्वर प्रोजेक्ट, यहाँ पर है हमारे पास स्ट्रिंग प्रोग्राम डॉट सी एस, यहाँ पर है शेयर्ड प्रोजेक्ट, यहाँ पर है हमारे पास बुक्स ऑथर्स, और यहाँ पर है इंडेक्स डॉट रेजर पेज। इंडेक्स डॉट रेजर पेज में आप देखिए कि यहाँ पर हमारे पास लिस्ट ऑफ बुक्स जो है वो नजर आ रही होंगी आप लोगों के पास, बुक्स लिस्ट जो है, राइट। तो हम लोगों को तो यहाँ पर सिंपल सा कॉल करना है, हम लोगों को यहाँ पर जो टाइपो हेड है यानी कि कस्टम टाइपो हेड जो कंट्रोल है वो यूज करना है दिस वन। यहाँ पर जो अहम जो रोल प्ले करता है वो है कस्टम टाइपो हेड के अंदर जो हमारा पैरामीटर होना चाहिए, दैट इज देखते हैं रेंडर फ्रेगमेंट में नहीं है, ओके, यहाँ पर पैरामीटर है दैट इज द टाइप ऑफ रिजल्ट, राइट, कि हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए क्योंकि इनपुट में ये आना चाहिए हमारे पास, है ना। तो हमारे पास है दैट इज टाइप ऑफ रिजल्ट। अब रिजल्ट में हमारे पास यहाँ पर हम लोग जो है रिटर्न में उसको भेजेंगे, राइट। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं शो डेटा लिस्ट, राइट, शो डेटा लिस्ट। और ये शो डेटा लिस्ट एक बार के लिए हम लोग इसको, क्योंकि हम लोगों को ये उसमें भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोगों को नॉट फाउंड टेम्पलेट है वो वाला टेम्पलेट भी बनाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर इसको क्या करते हैं, शो डेटा लिस्ट को, इसका जो आउटपुट है वो थोड़ा सा अलग हो सकता है क्योंकि इसका सी एस एस हम लोगों ने अभी तक बनाया नहीं है ना, तो वो हो सकता है कि चेंज हो। तो हमारे पास है प्राइवेट एसिंक टास्क ऑफ इनुमरेबल, और यहाँ पर हमारे पास है स्ट्रिंग, हम लोग एक बार के लिए स्ट्रिंग भेज देते हैं, उसके बाद में तो हम लोगों को वैसे भी ऑथर भेजना है। तो यहाँ पर हम लोग काम में लेते हैं शो डेटा लिस्ट, राइट, शो डेटा लिस्ट है, इसमें हमारे पास स्ट्रिंग टाइप ऑफ आइटम आएगा, स्ट्रिंग आइटम, राइट। अब ये यहाँ से रिमूव हो गया। अब यहाँ पर हम लोगों को एक बार अवेट यूज करना है टास्क डॉट डिले, और उसमें हम लोग यहाँ पर दे देते हैं 3000 मिलीसेकंड। उसके बाद में हमारे पास है यहाँ पर इफ, क्योंकि हम लोगों ने सर्चिंग टेक्स्ट को नॉट फाउंड भी तो लिखा है ना, तो यहाँ पर हम लोग दे देते हैं आइटम इज डबल इक्वल्स टू कुछ भी लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ऑथर के बारे में ही लिखेंगे, तो मान लीजिए मैं एम्प्टी डालता हूँ राम के ऊपर, राइट, और यहाँ पर मैं रिटर्न कर देता हूँ, इन्यूमरेबल डॉट एम्प्टी ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहां पर मैं रिटर्न करता हूं रिटर्न न्यू ऑफ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग यहां पर मैं लिख देता हूं तरुण कॉमा सैनी, ठीक है। कोई भी लिस्ट बना सकते हैं आप लोगों की मर्जी है जो आप लोग लिस्ट बनाना चाहें। इसके अंदर हम लोगों ने कस्टम टाइपो हेड के अंदर लिख दिया, राइट। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या लिखना होता है, जैसे कि मान लीजिए हम लोगों को यहाँ पर, अब हमारे पास यहाँ पर है देखिए कस्टम टाइपो हेड के अंदर हम लोग देखते हैं
तो हमारे पास है यहाँ पर रिजल्ट टेम्पलेट, राइट, क्योंकि हम लोगों के पास जो टेम्पलेट है वो तो यही है, रिजल्ट टेम्पलेट, राइट। तो हम लोगों को ये रिजल्ट टेम्पलेट जो है वो यूज करना पड़ेगा। रिजल्ट टेम्पलेट के थ्रू ही हम लोग जो है डेटा को जो है वो लेकर आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दैट इज द टाइप ऑफ रिजल्ट टेम्पलेट, तो ये आइटम जो है उसी में जाएगा और उसमें हम लोगों को शो होगा ना। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रिजल्ट टेम्पलेट, दिस वन, और रिजल्ट टेम्पलेट के अंदर हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी कॉन्टेक्स्ट का यूज क्या है, वहां से जो भी डेटा आएगा वो टाइप ऑफ कॉन्टेक्स्ट होगा जो यहाँ पर आप लोगों को डिस्प्ले कर दिया जाएगा। अब एक बार के लिए इसको रन करके देखते हैं। अब हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर तीन करेक्टर तक मुझे कुछ भी नहीं दिखाएगा, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा आर ए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ आर ए एम, कुछ भी नहीं दिखाया आर ए तक, लेकिन एम जैसे ही लिखूंगा तो यहाँ पर लोडिंग यानी स्टार्ट हो जाएगा। दिस वन लोडिंग हो गया, उसके बाद में यहाँ पर दिखाया डाटा नोट फाउंड, क्योंकि हम लोगों ने राम के ऊपर डाटा नोट फाउंड का मैसेज जो है वो सेंड कर रखा है। इसके अलावा हम लोग कुछ भी लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए हम लोग यानी रमी लिखा, तो यहाँ पर जो टेक्स्ट आता है दैट इज तरुण एंड सैनी, राइट। तो ये जो है दैट इज नोन एज टाइपो हेड कंपोनेंट, इसको हम लोग टाइपो हेड कंपोनेंट बोलते हैं, लेकिन इसका प्रॉपर जो जो स्टाइलिंग है वो हम लोग वहां पर लेकर आएंगे। उस कस्टम टाइपो हेड के अंदर हम लोग जो है इमेज भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, वो हमारा जो रिजल्ट आउटपुट होगा जो यहाँ से हम लोगों ने भेजा है वो हम लोग जो भी उसमें भेजेंगे वो हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा। तो ये कैसा लगा आप लोगों को ये देख सकते हैं आप लोग, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा टी ए आर, तो ये लोडिंग चल रही है यहाँ पे, तो हम लोगों ने तो प्री डिफाइंड डेटा भेजा है, लोडिंग होने के बाद में वो जो है थोड़ा सा सेकंड लेता है, टाइम लेता है, उसके बाद में आप लोगों को रिजल्ट जो है वो इस टाइप में आप लोगों को भेज देता है, राइट। तो मेरे को जरूर फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को ये कस्टम टाइपो हेड समझ में आया या नहीं आया, वो सारा प्रोसीजर हम लोग सीखेंगे, ठीक है। लेकिन ये इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।